दोस्त, मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एलईडी वीडियो विद गणेश। तो चलिए आज हम एक टेबल लैंप बनाएंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरह का एक टेबल लैंप बनाया हूँ। किस तरह से बनाया है, अगर आपको जानना है, सीखना है, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मेरा वीडियो को एंड तक देखिए। और एक बात जो सबसे अभी जरूरी बात है, जो मैं बात नहीं कहूँगी के लिए बहुत ही गलत होगा, तो इसीलिए मैं आपको आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज जो हमारा देश है, ये बहुत ही बड़ा एक मुसीबत में गिरा हुआ है, इसका नाम है कोरोना। मारे जाएंगे ये हमें पता नहीं है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग घर में रहिए, आपका जो फैमिली है ये अच्छा रहे, आप अच्छा रहे, और आपका जो देश है उसे आप बचाइए, ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग घर में रहिए, प्लीज़ घर में रहिए और इस तरह का वीडियो देखते रहिए। और इसके साथ तो ये देखिए, मैंने एक पैकेट ले लिया है, आप कार्टून भी कह सकते हैं। तो इसी की मदद से मैं आपको आज एक टेबल लैंप बना के दिखाऊंगी। तो आप भी इस तरह का एक लंबा सा पैकेट ले लीजिए और इसके ऊपर आपका मन चाहे डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद उसका डिज़ाइन को कट के निकाल लीजिए, ताकि इसके अंदर जब हम किसी भी तरह की लाइट लगाएंगे तो उसका जो रोशनी होगा तो वो बाहर तक निकल पाए। तो इस तरह से पूरा डिज़ाइन को कट करने के बाद फिर हम उसके ऊपर जो तीनों साइड में जो कटिंग किया था डिज़ाइन, उसके ऊपर एक वाइट कलर का पेपर हम चढ़ाएंगे। ये देखिए, अंदर तक ये जो तीनों साइड है इसमें ग्लू की मदद से चिपका दिया है। ये देखिए, मेरे पास एक सिलिकॉन ग्लू का डिब्बा है, तो जिसके ऊपर हम RGB लाइट को बिठा रहे हैं। तो RGB लाइट का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें ग्लू के साथ पहले से ही दुकान में मिलता है, तो उसी लाइट को हम इसका जो एक नीचे वाला हिस्सा में पेपर होता है उसे हम उतारेंगे और इसे अच्छी तरह से चिपकाएंगे। आप चाहे तो दूसरी किसी चीज़ के ऊपर भी चिपका सकते हैं, या फिर आप इस RGB लाइट के जगह पे आप किसी भी तरह की लाइट लगा सकते हैं, जो आपका जी चाहे उसी तरह का। पर ये जो लाइट है, ये लगाने का फ़ायदा एक ही है कि ये तीन तरह का कलर होता है, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन होता है, तो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम पूरा कोटेज कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो लाइट हमने बना रहे हैं तो इसे खड़ा रहने के लिए एक स्टैंड की ज़रूरत है, इसीलिए एक बॉक्स की तरह हम सोल के मदद से करेंगे, जिसके मदद से ये खड़ा रहेगा। तो इस तरह से आप छोटा छोटा सोल का टुकड़ा कर लीजिए और इसी को ग्लू के मदद से आप मेरी तरह से चिपका लीजिए। ये देखिए, मैं ग्लू की मदद से अच्छी तरह से इसे चिपका रहा हूँ, और इसका जो चारों साइड है उस चारों साइड पे ही आप इसका लगा लीजिए, फिर ये एक बॉक्स की तरह लगेगा और इसके मदद से ये अच्छी तरह से खड़ा भी रह पाएगा। ये देखिए, अभी ये अच्छी तरह से खड़ा हो पा रहा है। तो अभी इसको हम इसका जो ढक्कन है इसे खोलेंगे और इसके अंदर RGB लाइट को बिठाएंगे, जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। तो ये देखिए, ये खुल गया है। तो अभी इसके अंदर हम जो लाइट है हमारा वो बिठाएंगे। आप चाहे तो दूसरे
किसी तरह का भी लाइट बिठा सकते हैं। ये देखिए हमारा लाइट कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा और डेकोरेशन करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पेंट चढ़ाएंगे और इसके जो नीचे वाले हिस्से हैं उसमें एक ब्लैक पेपर लगाएंगे ताकि ये और भी अच्छा दिखने में लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास एक बर्जर का पेंट है, तो इसे हम अभी लगाएंगे, इसको और थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। तो जो हमारा डिज़ाइन है उसे छोड़कर बाकी इसका जो हिस्सा है उसमें हम प्रॉपरली ये कलर कर देंगे। ये देखिए मैं किस तरह से अपना डिज़ाइन को बचाकर इसके बाकी जो हिस्से है उसमें किस तरह से लगा रहा हूँ। इसी तरह से आप तीनों साइड या फिर आपका जितना भी जगह पे आपने कटिंग किया है उस जगह को छोड़कर बाकी सारी जगह पे कोई भी पेंट आप लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक ब्लैक कलर का पेपर है, तो इसकी मदद से ही हम इसके जो नीचे वाले सोल का जो हिस्सा है जिसे हम बॉक्स की तरह बनाया है तो इसे हम इस तरह से कवर करेंगे। आप चाहे तो दूसरी किसी तरीका से भी इसे कवर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी तरह से करूँगा। रबर की मदद से इसे चिपकाएंगे, बाद में ये जो रबर है इसे हम खोल लेंगे चिपकाने के बाद। तो हम यहाँ पर ग्लू की मदद से इसे चिपकाएंगे। तो मेरा जो पहले वाला ग्लू था फेविकॉल का वो ख़त्म हो गया है, तो अभी हम इसे आप अच्छी तरह से इस तरह से मोड़ लीजिए ताकि आपको चिपकाने में आसानी हो। इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो इसमें एक बिट बन जाएगा, तो ये आसानी से खुलेगा नहीं। तो अभी हम हॉट गन की मदद से इसे चिपकाएंगे। इस तरह से आप भी चिपका लीजिए। एक बार फिर से इसे टेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा लाइट चल रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे भी हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे सेलो टेप की मदद से।